ठीक है, ये कह रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम में जो हलीम पकाए जाते हैं इसके बारे में बताएं। बाज़ लोग पता नहीं क्या से क्या बताते। मुझे एक दिन बंदा कह रहा था कि मौलाना मुहर्रमुल हराम में 10 मुहर्रम को यजीद ने हलीम पकाया था। मैंने कहा क्यों? हजरत हुसैन की शहादत की खुशी में। मैंने कहा एक मिनट, मैं अब तेरी इसका जो है ना 6-5 निकालता हूँ जरा। उस वक्त मोबाइल जैज चल रहा था, टेलीनार चल रहा था, जोंग चल रहा था, यूफोन बिन नजर क्या चल रहा था। कहते क्यों? मैंने कहा 10 मुहर्रम को शहादत हुई, 10 मुहर्रम को फोन हो गया यजीद को, उसने हलीम पका लिया, 2200 किलोमीटर दूर बैठा यजीद, हजरत हुसैन तो करबला में शहीद हुए, उसके आर्डर पे शहीद हुआ था हजरत हुसैन के साथ ये मामला, वो शामिल तो नहीं था, वो तो 2200 किलोमीटर दूर था। तो यजीद को किसने बताया था? उसी दिन फौरन उसने हलीम पका लिया। कहते हैं सोचने की बात है। मैंने कहा फिर झूठ ना बोलिए, ऐसे ना कहो खाम से। कोई हलीम इसलिए पकाता है कि लोग बिदात और गलत मामले में न जाए, हमारे पास आकर दीनी बात सुन लें तो पकाना बिल्कुल जायज है, कोई मना नहीं है। ठीक है, वो इस वजह से पका रहा है कि लोग किसी अच्छी बात सुनने में आ जाएं, किसी बुरे बात में न चले जाएं या कोई गलत अकीदे की बात न सुन लें, फिर ठीक। और अगर कोई इसलिए पकाता है कि इस दिन पकाना बहुत सवाब है, तो भाई ऐसा नहीं है। किसी दिन खास तौर पर खाना पकाना सवाब है, शरीयत में ऐसा कोई नहीं है। हाँ, गरीब के लिए किसी दिन पका के दे दें ये सवाब है, अपने लिए पकाएं और सवाब की मोहर साथ लगा दें ये आपका काम है, शरीयत का मामला नहीं है। दूसरी बात, हदीस पाक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि 10 मुहर्रमुल हराम को अगर कोई आदमी अपने घर वालों पर खाने पीने के रिज्क के मामले में वुसअत कर देता है, यानी बहुत खुला उन पर खर्च करता है 10 मुहर्रम को, फरमाया एक साल अगला इसके ऊपर अल्लाह रिज्क वसी कर देंगे। ये तो हदीस है, ये हदीस है। ठीक है, इस तरह आप कर लिया करें तो बहुत बेहतर है। हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम सुफियान सौरी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। सैर इलामुन नबला में काना युफ्ती बिकौली अबी हनीफा, तो हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जो 161 हिजरी में उनकी वफात है, आज 1443 हिजरी है, कम अज कम ये 1250-1350 साल पहले के आदमी है। वो फरमाते इस हदीस पर मैंने कई बार अमल किया और सही का सही पाया, मिश्कात में रिवायत मौजूद है इनकी। तो इसीलिए ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन किसी दिन को खास करके आप खाना पकाएं और कहें बुध को सवाब है मंगल को नहीं है, ना बाबा, आप बुध को पकाएं या मंगल को पकाएं आपका सवाब सवाब है।